तो इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। शुरू करते हैं हमारा अगला प्रोग्राम। मनोरंजन जी हां, पेश है आपका प्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरंजन। और मजे की बात यह है कि ज्योति जी ने यह प्रोग्राम मुझे पेश करने का आदेश दिया है, मैं कहूंगा, और छोटों के आदेश को मना नहीं किया जाता। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे आगाह किया है कि इसमें आप अपनी पसंद के जो गाने हैं वो सुनाएं। तो ज्योति, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी पसंद के गीत सुनाने का मौका जो आपने दिया है। एक बात कहना चाहूंगी। जी जी, आपने जो आदेश शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मैं कहना चाहूंगी कि जो उद्घोषक उद्घोषिकाएं होती हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो आदेश देना तो बनता ही है। नहीं, क्या होता है, जो सूत्रधार संचालक जो होता है ना, मास्टर ऑफ सेरेमनी वो होता है, और जो आमंत्रित होते हैं वो उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो बहरहाल शुक्रिया बहुत बहुत एक बार फिर आप सबका, हिंदी सर्विस के जितने भी लोग हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या कहूं मैं, अपनी पसंद के इन गीतों को पेश करते समय मुझे थोड़ा सा रोमांच हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे एक त्योहार आ गया है, मैं किसी त्योहार में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ, उत्सव मना रहा हूं मैं, और वैसी ही कुछ फीलिंग है। तो इसी फीलिंग का इजहार करते हुए मैं अपनी पसंद का पहला गाना पेश करना चाहता हूं, फिल्म ढोलक से। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे मूड से मिलता हुआ जो गाना है वो है ये वाला, जिसे गाया है सुलोचना कदम और साथियों ने। संगीत आप जानते हैं किसका है, श्याम सुंदर जी का, जिनका असली नाम था श्याम सुंदर गाबा। जी हाँ, लेकिन गाबा वो सरनेम शायद था उनका, वो लगाते नहीं थे, तो श्याम सुंदर के नाम से जाने जाते थे। और लिरिक्स हैं अजीज कश्मीरी साहब के। तो लीजिए, ये रहा मेरी पसंद का पहला गीत। Thank you.
कैसा लगा ये आपको गाना? अच्छा लगा ना? क्या है मूड के, मेरा जो मूड है आज वो ऐसा ही है, इसलिए गाने भी कुछ वैसे ही आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। अगला गाना भी कुछ मेरे इसी उत्साह को आगे बढ़ाता हुआ है, जिसे सुरैया के साथ मुकेश साहब ने गाया है। फिल्म का नाम है विद्या। और दोस्तों, सुरैया जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्हें टाइमलेस सिंगिंग स्टार उस दौर में कहा जाता था। बेहद खूबसूरत, यानी सिंगिंग स्टार जो एक्टिंग भी करते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं, ये उनमें सर्वश्रेष्ठ रही हैं। और ये गाना मैं खास तौर से उनके लिए बजाना चाहता था। संगीत है SD बर्मन का और शब्द हैं अंजुम पीलीभीती के। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया अब बस में फूलती है बुलबुल की जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। अपनी नजर का जादू, अपनी नजर का जादू क्या पूछते हो हमसे, देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। तुम नींद बन के जब से आँखों में
जवानी लाई खुशी की दुनिया। दीपक की रोशनी पर जलते हैं क्यों पतंगे, जलते हैं क्यों पतंगे। एक आपका है सिलसिला, एक है मेरी कहानी लाई खुशी की दुनिया। हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया। अंताक्षरी नुमा गीत को सुनने के बाद आपको अच्छा ही लगा होगा। ज्योति, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस स्टूडियो में हम आज प्रसारित कर रहे हैं, मतलब ये प्रोग्राम जी, प्रसारित कर रहे हैं जी, स्टूडियो नंबर जो 7 है, 8 8 ये 8 ये 8 है जी, 7 में हाँ 1971 में मालूम है कौन सी हस्ती आई थी जिनको हमने और परमार साहब ने इंटरव्यू किया था? नहीं यार, नूरजहां जी। अच्छा, नूरजहां जी, मलकाए तरन्नुम नूरजहां पाकिस्तान से फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने आई थी और 7 स्टूडियो नंबर 7 में हमने उन्हें इंटरव्यू किया था। हाँ, मैंने फोटो तो देखी फोटो है। हाँ जी बिल्कुल जी। और उसी दौरान नूरजहां जी से मुलाकात हुई, तो मैं चूंकि उनकी मदर टंग पंजाबी थी, मैं भी पंजाबी था, तो कुछ रफ्ता सा हो गया। तो जिस सिवाय थिएटर में फिल्म फेस्टिवल चल रहा था पाकिस्तानी, उसके ठीक सामने मेरा घर था। अच्छा, तो एक दिन मुझे, मतलब उसी दिन कहने लगी, तू किथे रहना है? मैंने कहा जिथे तुहाडा फेस्टिवल चल रहा है, मतलब जहां आपका फेस्टिवल चल रहा है वहीं रहता हूँ सामने जी। तो बोले मैंने बहुत दिन से इलायची वाली मसाले वाली चाय नहीं पीती, ते चाय पिलाएंगे तू? मैंने कहा हाँ, मैं क्यों नहीं चाय पिलाऊंगा आपको, आइए। अच्छा। कभी। एंड टू माई सरप्राइज फॉलोइंग डे शी राउंड अबाउट 4 o'clock आ गई ऊपर। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। तो नीचे भीड़ लग गई क्योंकि वो जिस गाड़ी में आई थी, ह्यूज गाड़ी थी, ऊपर आई, आके कहने लगी उमनौर चापला चापला। तो वाइफ भी हमारी घबरा गई, जल्दी जल्दी हमने चाय बनाई, पकोड़े बनाए, उन्होंने खाए, कहने बहुत मजा आया। उसी दिन राखी आई हुई थी मेरी बहन की और रक्षाबंधन भी था, तो सामने राखी पड़ी हुई थी, तो कहने की ए रखड़ी है तेरी बहन ने भेजी है? मैं कह हाँ जी मेरी बहन ने भेजी है, मैं बांध दू? अच्छा, तो शी टाइड मी दैट राखी। oh, और मजे की बात है वो मेरी मुंह बोली बहन बन गई और करीब 3 साल तक मुझे राखी भेजती रही वो। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं कुछ रिलेशंस की वजह से या उनकी तबीयत की वजह से कभी उनसे संपर्क ना हो सका। तो बस उनको याद करते हुए मैं अगला गाना पेश करना चाहता हूँ। बट नटखट नशीली सी आवाज जिनकी थी नूरजहां जी, उनको समर्पित है ये गाना जो मेरी भावनाओं का इजहार आज के दौर में, आज के समय में कर रहा है। फिल्म अनमोल घड़ी, संगीत नौशाद साहब का और शब्द तनवीर नकवी के। खजाना
के बचपन मेरा लौट आया लौट आया। मिला है मुझे जिंदगी का बहाना जिंदगी का बहाना, जवां है वो कैसा लग रहा है। हाँ कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है ना। देखिए मैंने फिर फंबल किया मैंने, ये पता नहीं क्या नेचर में आ जाती है बात या क्या होता है। बहरहाल मैं अगला गाना ये माफ करते जाइएगा आप फंबलिंग अगर होती है तो बीच में। बहरहाल मैं अगला गाना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। बोलिए। बड़ी बड़ी शख्सियतें जब छोटी छोटी गलतियां वगैरह करते हैं हम खूब एंजॉय करते हैं, मैं तो बहुत लुत्फ उठाती हूँ, वो भी मेरे लिए मतलब एक किस्म से एक स्टाइल मैं के रूप में मैं देखती हूँ। नहीं अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो यंगस्टर्स को सिखाएंगे कैसे। बहरहाल दोस्तों अगला गाना जो मैं पेश कर रहा हूं वो ऐसा, वैसे तो राज कपूर साहब के ऊपर फिल्माया गया है। वो एक रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और ये गाना गाते हैं, रेडियो स्टेशन पर जाकर ये गाना गाते हैं। और आज मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये रेडियो सिलोन में आकर, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में आकर, जो उसके माइक के सामने मैं बिल्कुल राज कपूर की तरह बैठा हुआ हूं, मैं गाना तो खैर नहीं गा सकता लेकिन वो गाना पेश जरूर कर सकता हूं, ये महसूस करते हुए कि ये मैं गा रहा हूं। जी हाँ, मुझे सुनिए मुकेश साहब की आवाज में। फिल्म है सुनहरे दिन, संगीत है ज्ञानदत्त का और शिवन रिजवी ने इस गीत को लिखा है। ये बिल्कुल ऐसे सोचते हुए सुनिएगा कि जैसे मनोहर महाजन गा रहे हैं। छेड़ा है वो साजे जमानी है, जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, वो मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। कसम खा के किसी को जब कभी अपना बनाऊंगा, चमन की डालियों से लालियां फूलों की लाऊंगा, सितारों के चिरागों से फिर इस घर को सजाऊंगा, कि इस दुनिया में मुझको एक नई दुनिया बसानी है बहारों ने जैसे छेड़ा। मन में सबने ही गाया तराना जिंदगानी का, मगर सबसे अलग था रंग मेरी ही कहानी का, फसाना इस कदर रंगीन था मेरी जवानी का, कि जिसने भी सुना कहने लगा मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। समझे ना समझे मैं कह देता हूँ दुनिया से, कि मैं दुनिया में हूँ मतलब नहीं रखता हूँ दुनिया से, कोई समझे ना समझे मैं कह देता हूँ दुनिया से, कि मैं दुनिया में हूँ मतलब नहीं रखता हूँ दुनिया से, कभी कुछ दिल में आता है तो कह देता हूँ दुनिया से, मेरी आवाज ही मेरी तमन्ना की निशानी है बहारों ने जैसे छेड़ा है, वो ताजे जमानी है जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, वो मेरी कहानी है बहारों ने जी।
से टेढ़ा। क्या कहे मनोहर महाजन साहब पर फिल्माया गया ये गाना आपने तो सुन मेरे दिन फिल्म से सुना मुकेश की आवाज में, या यूं कहें कि मनोहर महाजन साहब की आवाज में आप सुन रहे थे सुनहरे दिन का गीत, क्या कहें? बस मैंने ये कहा था ना, बिल्कुल मेरे दिल की आवाज है जो हमने श्रोताओं को सुना दी। दोस्तों बहरहाल अगर आपको अतिशयोक्ति लगे तो माफी की दरख्वास्त करता हूँ मैं। अब अगला गाना जो मैं पेश कर रहा हूँ वो भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं समझिए श्रोता जो हैं वो भी मेरा दिल है ऐसा सोच रहा हूं मैं, और एक दिल यहाँ है मनोहर महाजन का दिल है, तो दो दिल जो धड़कते हैं जब श्रोता और अनाउंसर एक दूसरे के साथ मेल करते हैं या उनके दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं या एक साथ धड़कते हैं, तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है या वो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो जो प्रसारण होता है वो इतिहास का एक बिंदु बन जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये गाना पेश करना चाहता हूं जिसका शब्द है दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल। जी हाँ, जी एम दुरानी, लता मंगेशकर, फिल्म शायर, संगीत गुलाम मोहम्मद और शब्द शकील बदायूनी। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, हर मोहन की नगरी में हुआ आज सवेरा। दो बिछड़े हुए आसमान को छूने लगती हैं। दोस्तों श्रोता और उद्घोषक, आप ये मत समझिएगा कि मैं उपदेश दे रहा हूं, श्रोता और उद्घोषक जो होते हैं वो एक दूसरे के पर्याय होते हैं। अगर श्रोता अच्छे हैं और उद्घोषक उनकी बातें मानते हैं
तो सोने पर सुहागे का काम होता है। और इसी जज्बे को मैं अगले गीत के द्वारा आप पर इजहार करना चाहता हूं कि श्रोता और उद्घोषक की जो दुनिया है वो प्यार की दुनिया है, और दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जमा रहे यही दुआ ये गाना कर रहा है। करने जा रहे हैं जी हाँ ज्योति जी आप बताइए प्लीज, मुझे थोड़े घबराहट हो रही है, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन तो आप कीजिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि मनोरंजन प्रोग्राम इस गाने के साथ ही जी हम समाप्त करते हैं, और जैसे कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी एक या एक से अधिक श्रोताओं के पसंद पर गाने सुनवाया करते हैं, तो आज के दिन आप अपने नहीं नहीं ये गलत किया आपने, हमारे श्रोताओं का हक मार कर ये मुझे अवसर दे दिया। श्रोता मुझे माफ कीजिएगा, मगर कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मुझे बर्दाश्त किया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है मनोहर महाजन साहब, श्रोता तो हमेशा हम श्रोताओं की फरमाइशें पूरी किया करते हैं। जी जी जी, तो एक दिन तो आपके नाम होना ही चाहिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।